आपका मुद्दा आपका सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजखबर। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आपका मुद्दा आपका सवाल। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर जी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, आपका मुद्दा आपका सवाल में हम बात करते हैं गुर्जर समाज के इतिहास के बारे में और जानते हैं काफी उनके जो पहलू हैं, काफी मुद्दे हैं, उनको हम उठाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। अनुराग जी, हर बार ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ते हैं, जहां वो बधाई संदेश देते हैं, वहीं उनके कुछ सवाल होते हैं जो वो हमसे जानना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे ही दर्शक आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं बताना चाहूंगी। गजेंद्र पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, विजय गुर्जर शहीद भगत सिंह नगर पंजाब से, उमेश गुर्जर यमुनानगर हरियाणा से और रविंद्र रावल पानीपत हरियाणा से, ये दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ इन्होंने पूछा है। सभी मेरे गुर्जर भाइयों को राम राम। मैं राजेंद्र पाटिल गुर्जर एवं पत्रकार जलगांव महाराष्ट्र से आप सभी को आने वाली मिहिर बोध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा सवाल ये है, पहली बार ये कि अपने गुर्जर समाज का प्रस्तावित कितना है, उसका इतिहास क्या है, गुर्जर समाज निर्माण कहां से हुआ, अपने पूर्वज कौन है, गुर्जर समाज जाति कहां कहां बसी है, तो वो कौन सी किताब ऐसी है कि उसमें गुर्जर समाज का पूरा महत्व हमें मिले, वो कौन सा लेखक है जिन्होंने ये किताब लिखी है, वो किताब कहां मिलेगी और एक आम आदमी जो गांव में रहता है उसके पास कैसे पहुंचेगी, उस किताब का नाम क्या है, ये मेरा सवाल है। दूसरा मुद्दा यह है कि आने वाली 24 तारीख को वीर गुर्जर सम्राट मिहिर बोध की जयंती है। इस जयंती के निमित्त मात्र इंटरनेशनल गुर्जर डे मनाया जा रहा है। इस इंटरनेशनल गुर्जर डे में हर घर में उत्साह मनाया जाएगा, खुशहाली होगी, हर घर घर में दिए जलाना चाहिए, मीठा भोजन करवाना चाहिए, कुछ दान धर्म करवाना चाहिए, ताकि पता चले कि आज हमारे वीर गुर्जर सम्राट मिहिर बोध की जयंती है। ये गुर्जर समाज का अभिमान है कि आज हमारे समाज के जो प्रतीक है मिहिर बोध, इनका 24 अगस्त को इंटरनेशनल गुर्जर डे करके मनाया जा रहा है। तो हर घर में मनाना चाहिए, ये हमारा हक है। और दूसरी बात ये कि आने वाली 24 तारीख को जलगांव महाराष्ट्र एक छोटा कार्यकर्ता के हैसियत से समाज को इकट्ठा करने हेतु, संगठन करने हेतु बहुत बड़ी गुर्जर समाज की रैली निकलवाई जाएंगी, ताकि पता चले कि हमारे गुर्जर समाज के मिहिर बोध जयंती है और ये करना बहुत अनिवार्य है। आप सभी को आने वाले गुर्जर डे के, इंटरनेशनल गुर्जर डे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। घर घर भोज, हर हर भोज, वीर गुर्जर सम्राट मिहिर बोध की जय हो। जय वीर गुर्जर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वंदन। विजय गुर्जर गांव उदरोवाल तहसील बलाचौर डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर पंजाब से हूं। मैं ऑल इंडिया वीर गुर्जर महासभा के प्रधान अनुराग गुर्जर जी से ये पूछना चाहूंगा कि गुर्जर समाज का इतिहास जानने के लिए कौन सी बुक पढ़ें और वो कहां से प्रोवाइड होगी। नमस्कार, राष्ट्रीय खबर को नमस्कार। मैं उमेश गुर्जर, जिला यमुनानगर हरियाणा से।
मैं सबसे पहले राष्ट्र खबर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये गुजर समाज के मुद्दे उठाते हैं, और उसके बाद अनुराग बैसला जी का भी मैं नमस्कार करना चाहूंगा कि ये गुजर समाज के मुद्दे उठा रहे हैं। मेरा अनुराग बैसला जी से एक प्रश्न है कि गुजर समाज के इतिहास को जानने के लिए किन किताबों को पढ़ना चाहिए और ये किताबें कहाँ से मिलेंगी? अनुराग भाई जी, राम राम। मैं गुर्जर रविंदर रावल, गांव बलोर, पानीपत का रहने वाला हूँ। अनुराग भाई जी, मैंने अपने गुर्जर समाज का इतिहास पढ़ना है, उसके लिए मैंने कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी? अनुराग जी, यहाँ पे जो सारे दर्शक हैं इन्होंने एक ही प्रश्न को पूछा है कि आखिर गुर्जर समाज के इतिहास के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको कौन सी किताबें, कौन सी बुक्स उनको पढ़नी होगी जिसके वजह से वो उनके इतिहास के बारे में अच्छे से और डिटेल से जान सके। जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन सभी ने, और ये लोगों के लिए जिज्ञासा की बात भी रहती है कि भी कौन कौन सी किताबें पढ़े। तो गुर्जर समाज का इतिहास जानने के लिए आपको जो कई मुख्य किताबें हैं मैं वो बताता हूँ। सबसे मेन किताब है द हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहारा, ये मुंशीराम मनोहर लाल संस पब्लिशर हैं इसके, और इसके राइटर हैं बी एन पुरी। इस किताब के बारे में बताता हूँ मैं आपको थोड़ा विस्तार से कि ये किताब जो है द हिस्ट्री ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा, ये बी एन पुरी जो हिस्टोरियन थे उन्होंने 1937 में इसी किताब, ये जो किताब है इसी के ऊपर उन्होंने, मतलब ये उनकी थीसिस है पीएचडी की, उन्होंने गुर्जरों के ऊपर पीएचडी करी थी उन्होंने, और वो सारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर दी, देश आजाद होने से 10 साल पहले। तो ये किताब मुंशीराम मनोहर लाल एंड संस से जो भी लेना चाहे ले सकता है। इसमें बहुत विस्तार पूर्वक और बिल्कुल इसके आप प्रीफेस पढ़ोगे, प्रीफेस में ही गुर्जरों के बारे में उन्होंने पूरा बता रखा है, अभी ये गुर्जर जाति क्या है और इस गुर्जर प्रतिहार वंश ने क्या क्या देश के लिए बलिदान दिया, क्या क्या इसका योगदान था, क्या क्या इसका आर्किटेक्चर में क्या काम किया इसने, या भविष्य के लिए इनकी क्या प्लानिंग थी, वो सारी चीजें सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी किताब आती है जी, वो है यतेंद्र कुमार जी की, यतेंद्र कुमार वर्मा, जो गुर्जर समाज से ही थे, इतिहासकार थे, सबसे पहले गुर्जरों का इतिहास उन्होंने लिखा, और ये कहना भी कुछ गलत नहीं होगा कि गुर्जर इतिहास को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो यतेंद्र कुमार जी को जाता है। उनकी किताब है गुर्जर इतिहास जो उन्होंने लिखी, गुर्जरों के इतिहास के ऊपर है, और इतनी सटीक किताब है, उसमें एक एक चीज, एक एक लाइन का उन्होंने रेफरेंस दे रखा है, ये इस शिलालेख में वर्णन है, इसका इस शिलालेख में वर्णन है, यहां गुर्जर लिखा गया है, यहां ये हुआ है, यहां, मतलब अपने आप में ये लगाइए गुर्जरों का ग्रंथ कह लीजिए उसे आप एक तरह से। राणा अली हसन चौहान हुए हैं, वो भी गुर्जर समाज से थे, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ गुर्जर्स के ऊपर, जो उन्होंने लिखी है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ गुर्जर्स, वो बहुत अच्छी किताब है, इंग्लिश में है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी जो यमुनानगर के गांधी जी हैं गुर्जर कन्या विद्या मंदिर के, उन्होंने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कराया, वो बुक भी अवेलेबल होगी। इसके अलावा नौनिहाल सिंह जी की बुक है, इसके अलावा नौनिहाल सिंह जी की भी बुक है द रॉयल गुर्जर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये सारी किताबें हैं, ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एपिग्राफिया इंडिका, जो शिलालेखों का जहां वर्णन है, वो एएसआई की तरफ से एपिग्राफिया छापी जाती हैं किताबें, वो आपको कहीं भी दिल्ली जाएंगे आप एपिग्राफी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वहां से मिल सकती हैं आपको, 42 वॉल्यूम है वो ले सकते हैं आप, उनमें भी काफी अच्छा वर्णन दिया हुआ है गुर्जरों का और शिलालेखों का, जो गुर्जर शब्द कहां कहां किस किस शिलालेख में उपलब्ध है। हम भी धीरे धीरे करके, हमारे पास दीपक की ड्यूटी लगा रखी है, उसने एपिग्राफिया इकट्ठे कर लिए हैं काफी, और उनमें कहां कहां है वो आप देखते हो कि फेसबुक पे जो हमारा अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का पेज है उस पर हम निरंतर डालते रहते हैं कि भी इस एपिग्राफिया में, इस वॉल्यूम वन में, इस इतने पेज पे ये वाला इस राजा का शिलालेख दिया हुआ और उसमें यहां गुर्जरों के लिए ये लिखा गया, यहां गुर्जरों के लिए ये लिखा गया, तो वो सारी चीजें, वो इन्फॉर्मेशन हम आपको अवेलेबल करवाते रहते हैं हमने पेज के माध्यम से, और वही पेज से उठा करके उसको बच्चे व्हाट्सएप पे इधर उधर फॉरवर्ड करते रहते हैं। मैंने आपको बताया कि यतेंद्र कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है गुर्जर इतिहास को दोबारा जीवित करने में, तो जो समाज की पत्र पत्रिकाएं होती हैं ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम होती हैं। आप अपने जो दादाजी हैं या आपके जो पिताजी हैं उनसे पूछिएगा, जब आपके पिताजी छोटे थे उस समय एक पत्रिका आती थी वीर गुर्जर, वो यतेंद्र कुमार जी द्वारा लिखी जाती थी और उसको वही प्रकाशित करते थे, उस किताब ने
गुर्जर समाज में बहुत बड़ी जागृति लाने का कार्य किया उस किताब ने। फिर उनके देहांत के बाद वो किताब बंद हो गई। उनके फिर पुत्र जो है त्रिभुवन जी, उन्होंने गुर्जर भारती निकाली, उन्होंने भी गुर्जर भारती इतना निकाली इतने वो सर्विसेज में रहे, क्योंकि देखिए उसके बाद निकाल नहीं पाए, क्योंकि इसके लिए मेन चीज क्या होती है, धन की आवश्यकता बहुत होती है कोई भी चीज चलाने के लिए, संसाधनों की, साधनों की। तो इतने वो सर्विसेज में रहे, उन्होंने अपनी जेब से कर करके, अपनी जेब से निकाल निकाल करके पैसे त्रिभुवन जी ने वो गुर्जर भारती पत्रिका चलाई। अभी पीछे 4-5 साल से वो छप नहीं रही है, बात हुई थी मेरी तो वो बोल रहे कि फंड्स की प्रॉब्लम है। और इसके अलावा एक और मुख्य बात मैं आपको बताऊंगा कि जो समाज की पत्रिकाएं होती हैं ये बहुत अच्छा माध्यम होती है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। अभी जब हमने मुहिम शुरू करी 2009 में 2010 में, तो अपने समाज की एक पत्रिका निकलती है यहां से जयपुर से, देव ज्योति दर्शन, मोहनलाल वर्मा जी उसके संपादक हैं। तो हमारे इस कार्य को सबसे पहले उन्होंने छापा, फिर जगदीश जी हैं शिवपुरी मेरठ, यहां से शिवपुरी मध्य प्रदेश से, उन्होंने हमारी चीजों को छापा और लोगों तक पहुंचा। तो पत्रिकाएं एक बहुत माध्यम है, मगर क्या हुआ फिर पीछे, अब पीछे आंदोलन के बाद इतनी पत्रिकाएं हो गई, अब कोई कुछ बोलता, अब इसमें क्या होता है, पत्रिका का एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए। अब कोई किसी का पत्रिकाएं वहां तक तो ठीक है, अभी समाज की कुछ भाई खबर है, जानकारियां वो दे रही है, मगर जो किसी का भी कोई भी लेख उठा के छाप दिया, किसी को भी गुर्जर लिख दिया, कर दिया ऐसे करके, और उससे बहुत एक गलत संदेश जाता है समाज में, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अभी पीछे जब हमने प्रोग्राम किया था, अपना पहला अधिवेशन किया था 2013 में, तो एक पत्रिका वाले थे, उन्हें हमने भाई अपनी तरफ से एड भी दिया पत्रिका में, और ये बोला भाई आप इसको छापो, मगर किसी दूसरे के कहने से, किसी दूसरे के प्रभाव में आके उन्होंने हमारी पूरी न्यूज ही बदल दी, संगठन का नाम ही बदल दिया, यहां तक कि एड में भी संगठन का नाम गलत डाल दिया। और ऐसा ही अभी पीछे मनीष जी के साथ हुआ 2 साल पहले, मनीष जी का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान में, उनका फोन आया, बोले जी ये पत्रिका वाले हैं ये ऐसे बोल रहे हैं भाई, इतने का ये सिस्टम इस तरीके से हमारे हिसाब से ऐसे करो, तो उन्होंने बोला जी मैं तो कर नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने मनीष जी के खिलाफ भी छाप दिया। तो उससे, उस चीज से क्या होता है, उससे एक नेगेटिविटी जाती है, तो उसके उससे क्या हुआ, कोई रिजल्ट तो आया नहीं उनको, उन्होंने गलत छापा, और आज की डेट में वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल निराधार सारी बातें, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे क्या, क्योंकि पत्रिका एक ऐसा माध्यम है, पत्रिका से समाज में बहुत जागृति आती है, पत्रिका वाले न्यूज दें, वो सारी चीज अवेलेबल कराएं कि हाँ भाई ये हैं, और बुक्स जो हैं वो हैं इतनी सारी, उनसे लेके उनको छापें बजाय किसी फर्जी इतिहासकार जो अपने आप को कह रहे हैं उनका लेख छापने के, उससे समाज भ्रमित होता है। अभी दुनिया भर में कभी इसको गुर्जर बता दिया, कभी इसको गुर्जर बता दिया। अभी पीछे हमारे जो महासचिव हैं लोकेश भाई जो हैं वहां से जयपुर से हैं, उनका फोन आया, बोले भैया एक पत्रिका आई है मेरे पास और उस पत्रिका में ये लिखा हुआ है कि किसी के लिए था कि ये गुर्जर हैं, बोल रहे ये तो गुर्जर है ही नहीं। तो बोल रहे मैंने फिर उनको फोन लगा के कहा, तो उसमें लिखा हुआ था पत्रिका में वकील, तो मैंने उनसे पूछा, तो जिसकी पत्रिका थी उसने तो फोन उठाया नहीं, उसके बेटे ने फोन उठाया, तो मैंने पूछा भाई ये क्या है ये, तो उसने बोला नहीं जी ये ऐसे ही है, हमने छाप दिया, किसी का लेख आया तो हमने छाप दिया। उसने बताया लोकेश ने कि भाई ये गलत है बिल्कुल सरासर, ये तो बिल्कुल आधारहीन तथ्यहीन बात है, इससे तो आप समाज को बरगला रहे हैं। तो उन्होंने बोला अपने पिताजी से बात कराओ, बोले नहीं पिताजी से नहीं, बोले क्या है आपके पिताजी, बोले वकील हैं, बोले वकील क्या एडवोकेट, बोले नहीं एडवोकेट नहीं है वकील हैं। अब आप बताइए जो व्यक्ति पत्रिका छाप रहा है उसे एडवोकेट और वकील में ही उसे अंतर नहीं मालूम, तो उससे क्या, वो जो खुद ही पथभ्रष्ट है, जो ही खुद ही भ्रमित है, वो किसी को क्या सही दिशा देगा ये बताओ आप। फिर लोकेश ने पूछा क्या वो उन्होंने वकालत कर रखी है, बोले नहीं जी वकालत वगैरह नहीं कर रखी, वो तो बस वैसे ही नाम के ही वकील है। तो ये ऐसे ही नाम के वकील, ऐसे ही कुछ लोग अपने आप को भी पीएचडी किसमें करते हैं, पीएचडी करी हिंदी में रिटायरमेंट के बाद, या पीएचडी करी किसी और सब्जेक्ट में, और उसके बाद उठा के उसको वहां रख दिया कि भैया 4-5 किताबें उठा ली और भैया कर करा के बन गए इतिहासकार। तो इनसे क्या होता है, इनसे समाज भ्रमित होता है इन चीजों से। अगर ऐसे नाम रखने से कोई भाई डॉक्टरेट किसमें करी है बता किसमें रहे हो आप, अगर ऐसे कोई नाम रखने से भाई कोई वकील होता, वकील नाम रखने से कोई वकील बन जाता है, डॉक्टर से डॉक्टर बन जाता, तो 125 करोड़ की जनसंख्या, तो हर आदमी अपने बच्चे का नाम प्रधानमंत्री रख लेता। तो इन चीजों से लोग भ्रमित होते हैं और कुछ नहीं है। अब ये बुक्स अवेलेबल कैसे हों, सबसे मेन बात ये है। ये बुक्स हमने क्या करा हुआ है, इन काफी किताबों की हमने पीडीएफ बनवा ली है
और वो हम व्हाट्सएप के थ्रू अवेलेबल करवा देते हैं। जावली से गांव है, जावली यूपी में लोनी के पास में, वहां शैलेंद्र कसाना भाई हैं, वो खुद दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं, उसके बावजूद हमने उन्हें सिर्फ यही काम सौंप रखा कि जो आपसे बुक्स मांगे आप उसको उसकी पीडीएफ फाइल अवेलेबल करवाओगे। तो मैं उनका नंबर आपको बताना चाहता हूं, 9953556575। मैं रिपीट करता हूं, 9953556575। आप कभी भी उनसे ये बुक्स ले सकते हैं, और द हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहारा हो गई, या फिर ये द यतेंद्र कुमार जी की गुर्जर इतिहास हो गई, और बहुत बुक्स हैं जो हमने उनको दे रखी हैं। मेन बुक्स तो यही हैं दो, जिनसे भाई आप इतना ही पढ़ लो वही बहुत है। और किताबों को खाली रख के बैठो मत, इनको फॉरवर्ड करो, और फॉरवर्ड करो, जिसको भी फॉरवर्ड करो उसको बोलो भैया एक नारा है, ईच वन टीच वन, एक आदमी दूसरे को पढ़ाएगा, इसको समझाएगा। आप एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, दस बार पढ़ोगे, फिर अल्टीमेटली आपको समझ आ जाएंगी चीजें। तो ऐसे ही धीरे 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 धीरे, हमारे पास भी बुक्स अवेलेबल नहीं थी पहले, हम भी इधर उधर खूब धक्के खाते घूमते थे, भटकते घूमते थे। एक है परिषद है उनका, तो हमने उनसे पूछा, मैंने बोला जी बुक्स दे दो, कई बार बोला उनसे, उन्होंने बोला नहीं मैं उनसे पूछ के दूंगा, मैं इनसे पूछ के दूंगा। तो बुक्स अवेलेबल हुई नहीं हमें, मगर आज परमात्मा की कृपा से, महादेव की कृपा से ऐसा है कि आज हमारे पास सारी बुक्स अवेलेबल हैं, और जो बच्चा जो बुक्स मांगता है हम उसको अवेलेबल करवा देते हैं, और हमने सबकी पीडीएफ बनवा रखी है। क्योंकि देखिए हर आदमी इतना धनाढ्य नहीं है, हर आदमी इतना संपन्न नहीं है जो हजार हजार पांच पांच हजार की भी किताबें हैं हमारे पास। हमने क्या कर रखा है उनकी भी ज्ञान जितना बांटोगे, जितना देखिए आपकी धन है, संपत्ति है, जमीन है, उसको जितना आप भागों में बांटोगे वो कम होगी। केवल ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है कि जिसको जितना ज्यादा आप बांटोगे वो उतना बढ़ेगी, दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ेगी वो। तो इन बुक्स को आप सबके पास सर्कुलेट कीजिए, सबको भेजिए, और बोलिए बच्चों को पढ़ने के लिए कि दिन में चाहे आप आधा घंटा निकालिए, एक बार पढ़िए जरूर इनको, क्योंकि उससे आपको अपने आप अपने पूर्वजों का इतिहास का ज्ञान होगा, और अपने आप को आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपके हिस्ट्री से संबंधित जो भी डाउट्स हैं, तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, तो आप अगर दिल्ली रहते हैं या आप गाजियाबाद रहते हैं, तो आप मतलब आपके डाउट्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हो सकते हैं। गाजियाबाद में तो लोनी में मांडला गांव है, वहां त्रिभुवन सिंह जी रहते हैं, और जो दिल्ली है, दिल्ली में गुर्जर भवन में खुर्शीद भाटी जी रहते हैं। वर्तमान में यही दो हिस्टोरियंस हैं जिनको नॉलेज है, बाकी तो सब फर्जीवाड़ा मचा रखा है, किसी को नॉलेज नहीं है, तुक्के मारते हैं, तुकबंदी बिठा रखी है। आप ही लगाइए कि इन तुक्केबाजों से ज्यादा तो दीपक को नॉलेज है, मगर वो भी हिस्टोरियन नहीं कहता अपने आप को, वो भी हिस्टोरियन नहीं है। कोई बोलता भाई हम तो भाई चीज ढूंढते हैं, खोजते हैं, निकालते हैं, हम दे देते हैं। तो हिस्टोरियन दो तरीके के आदमी को कहा जाता है हिस्टोरियन, या तो एक हो जिसने हिस्ट्री में ही पीएचडी कर रखी हो और उसके पास ये सारी बुक्स सारी चीजें अवेलेबल हों, ये एक तो ऐसे लिखी जाती है हिस्ट्री। दूसरी चीज लिखी जाती है प्रैक्टिकली, भाई जा करके शोध कर करके वहां उन स्थानों पर जा करके देखा है और वो करा गया है कार्य, वो दो तरीके से देखिए, केवल इन्हीं हिसाब से ही हिस्ट्री लिखी जाती है। बाकी अब कोई भी अब एक यतेंद्र कुमार जी की किताब उठा के दुनिया भर के लोगों ने लिख डाली किताब, उसमें थोड़ा संशोधन करके वो सब इतिहासकार कहने लगे अपने आप को, तो ऐसी चीजें नहीं है। जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि हम किसको भ्रमित कर रहे हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तो भ्रमित कर रहे हैं। हमें उनके लिए बिल्कुल खुला आकाश, खुला आसमान देना चाहिए, हमें उड़ने के लिए उन्हें सब कुछ अवेलेबल करवाना है, यही उद्देश्य है। एक समय ऐसा था हम धक्के खाते घूमते थे, और आज हमारे पास सारी बुक्स अवेलेबल है, और जिसको चाहिए जो मांगता है। अभी आपने पीछे एपिसोड में देखा था एक महाराष्ट्र से भी बहन का फोन आया था, जो मराठा पाटिल समाज से थी, उन्होंने बोला कि भैया मुझे, मैं गुर्जरों पे पीएचडी कर रही हूँ, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स और जो भी रिलेटेड चीजें हैं, तो सारी अवेलेबल करवाई हमने उन्हें, और वो कर रही है, तो ये अच्छी बात है। एक डीयू से, एक सैनी समाज से है हमारी बहन, वो भी कर रही है, उनको भी शैलेंद्र भाई ने सारी बुक्स अवेलेबल करवाई है। ये धीरे 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 जागृति आ रही है लोगों में, पता चल रहा है बच्चों को, और एक अपने पूर्वजों से प्रेरणा ले रहे हैं। जी बिल्कुल अनुराग जी, जैसे कि आपने कहा कि रियलिटी में हिस्टोरियन होना और अपने आप को कहने में बहुत अंतर है, और जरूरी है कि सही चीज को और जो सच्चाई की तरफ जो चीजें हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। और जैसे कि अनुराग जी आपने बताया कि बुक्स तो बहुत अवेलेबल है, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि गुर्जर समाज के इतिहास के बारे में कौन कौन से बुक्स है, लेकिन जो पीडीएफ यहां पर अप्रोच किया जा रहा है लोगों में काफी सराहनीय है। तो हमारे दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जितनी भी ये बुक्स के बारे में आप बात कर रहे हैं या जानना चाहते हैं
इतिहास के लिए, उसके लिए पीडीएफ फाइल जो यहां पर अप्रोच की गई है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो अनुराग जी, यहां पर और भी हमारे पास दर्शक हैं, आइए आपको बताते हैं। सुबोध बैसला बागपत यूपी से और महेंद्र बैसला नीमच मध्य प्रदेश से, आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ पूछा है। नमस्कार जी, मेरा नाम सुबोध बैसला है, मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत घेटोदा गांव का रहने वाला हूं। मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग गुर्जर जी से गुर्जर समाज के गोत्र के बारे में जानना चाहता हूं। कितने गोत्र हैं सर हमारे? मेरा नाम महेंद्र बैसला, मैं नीमच जिला मध्य प्रदेश से हूं। हम नीमच जिले में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती वाहन रैली निकालकर मनाएंगे। आज का मेरा सवाल, गुर्जर समाज में कितने गोत्र है? अनुराग जी, यहाँ पर इन्होंने जानना चाहा है कि गुर्जर समाज के गोत्रों से संबंधित जानकारी इनको चाहिए कि आखिर उनकी संख्या कितनी है, गोत्रों के बारे में जानना चाहते हैं जी। देखिए, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, इसका जवाब देना भी बहुत ही पेचीदा है कि गोत्रों की संख्या कितनी है, क्योंकि गोत्रों के हिसाब से आप ये लगाइए कि गोत्र कैसे रखे गए। पहले तो ये देखना होगा, गोत्र कुछ तो प्राचीन गोत्र चले आ रहे हैं। जैसे एक कहावत है, जो पंजाब है और हरियाणा है, जो उत्तर भारत है, जिसमें पाकिस्तान तक का एरिया, जो अखंड भारत का उत्तरी भारत कहेंगे, जैसे आप पाकिस्तान का पंजाब और स्वात और यहां और मध्य प्रदेश तक का एरिया, तो ये एरिया, यहां एक बहुत प्रचलित कहावत है कि ढाई गोत्र गुजरों के चेची बरकट गोरसी। तो ये कहा जाता है कि चेची बरकट और गोरसी ये ढाई गोत्र बताए गए हैं। ये राणा अली सिंह चौहान ने भी इसका अपनी किताब में जिक्र किया हुआ है। तो इन चीजों के लिए क्या है, स्टडी करनी पड़ेगी चीजों की। नॉर्थ इंडिया के बता रहा हूं मैं, जो एरिया बताया मैंने, यहां के सारे गोत्र एक जैसे हैं, आपस में मिलते हैं, जैसे भड़ाना, अधाना, खटाना, बैसले, डेढ़े, कसाणे और ऐसे काफी अवाने, ऐसे ये गोत्र पूरा हरसाना, ये नॉर्थ इंडिया के मध्य प्रदेश तक के ये गोत्र मिलते हैं। उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाओगे, जो मध्य प्रदेश से नीचे, मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ी समस्या क्या, वहां 11 या 12 तरीके के गुर्जर हैं और सभी के गोत्र भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ये भी एक बहुत बड़ी, महाराष्ट्र में तो 6 तरीके के ही हैं, मगर मध्य प्रदेश में 10 या 12 तरीके के गुर्जर हैं, तो उनके गोत्र भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे आप हरदा होशंगाबाद वाला ले लीजिए, वो एक पर्टिकुलर एरिया है 2-4 जिलों का, उनके गोत्र और पूरे हिंदुस्तान के कहीं के गोत्रों से नहीं मेल खाते। ऐसे छत्तीसगढ़ चले जाए, छत्तीसगढ़ में 4-5 जगह पर जो एरिया है, और वो उससे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो सिंगरौली का मध्य प्रदेश का जो एरिया है, वहां भी एक अलग ही सेक्शन है गोत्रों का, वो भी अलग तरीके के गोत्र हैं बिल्कुल। वहां का भी यही है कि भाई ये सारे गोत्र जो उस एरिया के हैं, वो ना मध्य प्रदेश वालों से मिलते हैं, ना इधर उत्तर भारत वालों से मिलते हैं। अब गोत्रों की यह है कि गोत्र रखे कैसे गए। कुछ गोत्र तो क्या है, प्राचीन चले आ रहे हैं, और कुछ गोत्र रखे गए मतलब स्थानों के नाम पर, जैसे प्रतिहार की ही आगे कई शाखा बन गई, कहीं प्रतिहार मिल जाएगा, जैसे मुजफ्फरनगर में मिल जाता है, अजमेर में मिल जाता है प्रतिहार, मगर उसकी बाद में गोत्रों से आगे शाखाएं कटती चली गई। प्रतिहार जितने भी गोत्रों में अणा आता है, अणा जैसे भड़ाणा, खटाणा, अधाणा, ये अवाणा, ये अणा वाले ये सारे प्रतिहारों के गोत्र हैं। ये वो कैसे, दशरथ चौहान अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक लिखते हैं कि जो सोनीपत से लेकर अलवर तक का एरिया था उसे भड़ान का कहा जाता था, मतलब भड़ान का मतलब बयाना के जो राणा, बयाना के रूलर्स, वो भड़ाना कहलाए। पाकिस्तान में एक आप देखेंगे खट्टन जगह है, ये जो पंजाबी समाज के लोग होते हैं, जब शादी विवाह होते हैं तो वो गाना गाते हैं, बारी वर्षी खट्टन गया सी खटके ले आया, तो उसमें क्या है, वो खट्टन जो है, वो खट्टन अपने आप में गुर्जर प्रतिहारों के समय में एक बहुत बड़ा, ये लगाइए औद्योगिक मतलब एक व्यापार का बहुत बड़ा क्षेत्र था, वो बहुत बड़ा बाजार था वहां पे, वो तो वो वहां के उसके वो वहां के जो रूलर्स थे वो खटाना कहलाए। ऐसे धीरे 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 अलग 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 अलग, अवंतिका जो है उज्जैन जिसे बोलते हैं वर्तमान में, अवंतिका के राणा वो अवाणा कहलाए। तो
इस प्रकार से हुआ। अब जो हरिराज चौहान थे, अजमेर के, जो भगवान देवनारायण के वंश में थे, और भगवान देवनारायण के वंश में ही बीसल देव हुए हैं, तो बीसल देव से जो पैदा हुए, जो बीसल देव के वंशज है, वो बैसले लिखने लगे अपने आप को। और जो भगवान देवनारायण का बता रहा हूं, वो चौहान गोत्र था भगवान देवनारायण का, उसकी सारे ये गोत्र शाखा है। जो शामली का जो क्षेत्र पड़ता है, आप देखिए शामली में वहां क्या है, वहां चौहान है मगर वो तीन सेक्शन में बटे हुए हैं। वो बोलते हैं भाई हम दापे देवड़े कलशान ऐसे लिखते हैं। वो दापे देवड़े कलशान क्या है, वो जो हरिराज चौहान थे, हरिराज चौहान के तीन पुत्र थे, एक थे कलशराज चौहान, एक दीपराज चौहान, एक देवराज चौहान। तो जो कलशराज चौहान के, तो जो चौहान गोत्र के गुर्जर थे, वो कलशाणा लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, और कलशाण लिखना शुरू कर दिया, कलशाणा कहीं कलशाण। और जो ये थे आपके दीपराज के, वो दापे लिखने शुरू कर दिए, और देवराज के थे उन्होंने देवड़े लिखना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार लोगों के नाम पर भी गोत्र बने हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब टॉपिक है जिसका कोई अंत नहीं है ये लड़ाई। और मेरे हिसाब से गुजरों के कम से कम नहीं तो हजारों में गोत्र होंगे, हजारों से कम नहीं है गोत्र, हजारों से फालतू ही होंगे। अब हम जब आई कार्ड बनवाते हैं, जो आई कार्ड आता है, हम वो जो आपके कहने में तो आई कार्ड है, मगर उसके पीछे हम हर बच्चे का जो भी फॉर्म भरता है उसका माता का और पिता का दोनों को गोत्र मंगवाते हैं। वो इसीलिए कि उसका एक अलग डाटा मेंटेन हो जाए हमारे पास कि भी ये गोत्र यहाँ है, ये गोत्र यहाँ है, यहाँ यहाँ। तो ऐसे छत्तीसगढ़ का एक अलग डाटा है, मध्य प्रदेश का अलग डाटा है। मध्य प्रदेश से जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मनोज भागरे जी जो हैं, मनोज भाई ने बहुत हेल्प करी हमारी वहां के डाटा कलेक्ट करने में। और मैं बताऊंगा, मुझे वहां के ज्यादातर मतलब तो नहीं, मगर ये 80-85% जो वहां के गोत्र हैं वो मुझे कंठस्थ याद है मुझे। यही हाल जो छत्तीसगढ़ है वहां पे, वहां वाले गोत्र भी मुझे सारे ज्यादातर याद है। क्योंकि वो किस वजह से, क्योंकि उनके फॉर्म आते हैं तो फॉर्म जो गौरव उन्हें तैयार करके जो देखता है, देता है जो डाटा होता, तो एक बार उनके उसे क्रॉस चेक करने के टाइम पे, वो उस टाइम मैं जब उनको देखता हूँ तो उस टाइम काफी चीजों का वहां से भी ज्ञान प्राप्त होता है। अभी पीछे मुरैना में रामकुमार बैसला जी हैं, पार्षद रहे हुए हैं, उनसे मेरी बात चल रही थी, तो उनसे एक नई जानकारी मुझे प्राप्त हुई। उन्होंने बताया, बोला भाई साहब आपके यहाँ पर गोत्रों के बारे में और ये सब बताने कौन आता। तो मैंने बताया, मैंने बोला हमारे यहाँ तो भाट आता है। बोला नहीं जी भाट नहीं होता, उसको जगह बोलते हैं, जगह महाराज बोलते हैं। मैंने नहीं जगह नहीं बोलते। बोला नहीं भाट नहीं होता जी, हमारे यहाँ जगह बोलते हैं। उन्होंने बताया, बोले जगह क्या होता है, जगह महाराज क्या होता है, जगह महाराज उसका गोत्र मतलब जो उसकी जाति होगी वो तो गुर्जर ही होगी, मगर उसके पास आपका पूरा पूर्व जोखा, आपका सारा लेखा जोखा पूरा उसके पास होता है। बोले हमारे यहाँ वो आता है और उसके पास सारी चीजें सारी अवेलेबल होती हैं। अब आप ये देखिए, कुछ भाट अब जो पहले वाली चीजें हैं वो तो रही नहीं। कुछ लोगों ने अभी पीछे एक चैनल पे प्रोग्राम आया था गुर्जर गांव गोत्र, उसमें गढ़ी गांव में उन्होंने एक भाट बिठाया हुआ था। वो पता नहीं कहां के कहां तुक्के मार रहा था। वो उसने बैसोयो को बता दिया कि आप यहां से हो, यहां से हो, यहां से हो, मतलब पूरी तुकबंदी उसने बिठा दी। जबकि बैसोया, जो बैसोया गोत्र है, उसने ये तो ठीक बताया कि वहां पे ये गजनी से, गजनी के सुल्तान के लड़के को मार के भागे थे, और फिर जो कपास थी तो कपास में जाके सो गए, बाय में सो गए, तो इसलिए बायसोए हो गए। मगर उसने जो उनकी उत्पत्ति बताई वो बिल्कुल गलत बताई उसने। वो वहां लग रहा कि वो टोटल तुकबंदी मार रखी थी उसने, क्योंकि बैसोयो का जो ये निकास जो है ये भी चौहानों की ही ब्रांच है, एक जो चौहान गोत्र की ही ब्रांच है बैसोया भी। और इसके अलावा जब एक बार क्या होता है, वही भाट मुझे अभी 2 साल पहले अणखीर गांव में देवेंद्र भाई के छोटे भाई के बच्चे का देहांत हो गया था, तो मैं वहां था, तो वहां वो बैठ के बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था, हांक रहा था वो कि ये ऐसे है, ये है मेरा, मैं तो टीवी पे आया हूं, मैंने ये कर दिया। मैंने उससे 2-3 प्रश्न पूछे, और आप विश्वास करेंगे, आप पूछ लीजिए उनसे, वो उठ के भाग गया उसके पास। वो नहीं था, मैंने आप आधारहीन बात कर रहे हो, आप कैसे, आप उत्पत्ति ही बैसो की गलत बता रहे हो, आपको नॉलेज ही नहीं है इस चीज की, बताओ मेरे पास ऑथेंटिक इसके प्रूफ है, मेरे पास इसके पूरे प्रमाण है इस चीज के। तो वो उठ के भाग गया वहां से। वो एक मिनट निटिका, बात क्या है, समस्या यहां है, हमारे भोले भाले लोगों को ये लोग बरगलाते हैं, बहका देते हैं, बहकट्टा तो है ही हमारे लोग, किसी के बहकावे में आ जाते हैं, तो ये लोग गलत चीज करके उसको
बहका के गलत इन्फॉर्मेशन और गलत चीज स्प्रेड करते हैं लोगों में, उससे क्या होता है, उससे गलत ज्ञान पहुंचता है लोगों में। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी 5-6 साल पहले मदनपुर खादर में थे, तो वहां पे इंद्राज भिदुड़ी जी हैं, उनसे मिलने गए थे, उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया, मैंने बोला जी आपका ये इसका सिस्टम क्या है, ये भाई भिदुड़ियों की क्या है, तो उन्होंने एक चीज बताई मुझे, बोले भाई विधुड़ियों का क्या सिस्टम है, विधुड़ियों का सिस्टम ये है, बोले हम जगदेव पवार के वंशज हैं। मैंने बोला कैसे जी, वो बता रहे बोले हम जगदेव पवार के वंशज हैं और उसके बाद ही ये सारे उसमें से ही ये वंश बने हैं सारे। तो उन्होंने मुझे दिखाया तो उसमें एक तो ये लिखा हुआ था, एक तो विधुड़ी है उसकी ब्रांच जो पवार गोत्र से जो निकले हैं, दूसरा उन्होंने फागना बताया, एक उन्होंने लोवर बताया और एक दो गोत्र और बताए थे उन्होंने। अच्छा एक चीज और, आजकल जो बहुत चल रही है लोगों में कि हूण 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 चल रहा सारे में कि हूण क्या है, देखिए हूण हम में भी मिलता है और हूण एक अलग जाति भी और अन्य राष्ट्र में भी मिलता हूं, तो जो हमारे जो हूण मिलता है वो क्या है, वो विधुड़ियों की ही ब्रांच है एक, क्योंकि जो जितने भी गांव हैं आप ये दिखाइए कि मेरठ में हूणों के गांव हैं, अब अभी मेरी करण भाई हैं, करण हूण है वो उधर से ही है और मेरी दोनों बुआ भी हूणों में ही है वहां पे, तो मेरी करण भाई से बात हुई, मैंने बोला मैंने उन्होंने वो एक बार मेरे से मिलने आया, उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर विधुड़ी लिखा हुआ था, मैंने बोला भाई ये तो मतलब आप तो हूण आपने विधुड़ी क्यों लिखा हुआ, बोले नहीं भाई साहब ये पता नहीं हूण क्यों लिखने लगे वहां से, बोले हमारा निकास तो है वो हमारा तुगलकाबाद से, हम लोग तुगलकाबाद से ही जाके बसे हैं और पूर्वज यही बताते हैं और मैंने अपनी पूरी वंशावली चेक कर रखी है। तो वंशावली जो बता रहे बोले भाई वंशावली जब चेक कर रखी है हमने, बोले हमारा निकास जो है हमारा तुगलकाबाद से निकले हैं हम लोग। तो मैंने बोला अच्छा जी, तो फिर उन्होंने बताया बोला हमारा ओरिजिनल गोत्र तो हमारा विधुड़ी है, बोले अब ये पता नहीं हमने वहां जाके हमारे लोगों ने हूण क्यों लिखना शुरू कर दिया। तो ये है कि हूण जो है वो ब्रांच किसकी हुई, विधुड़ियों की, और विधुड़ी किसकी ब्रांच है, परमारों की, पवार पमा परमार। तो ये है सिस्टम। अब लोग उसको हूण एक अलग चीज है और हन एक अलग चीज है, हन तो विदेश के हो गए जो अटीला दाहन और ये सब जो फिल्म, अब वो बता रहे बोरे हंगरी से आए हैं, वो कहीं तुकबंदी नहीं बैठती, बोरे हंगरी, देखिए बहुत टाइटल ऐसे हैं, बहुत टाइटल ऐसे हैं जो विदेशों में क्या सात समंदर पार भी मिल जाते हैं। जैसे आप एक बहुत ही सरल चीज मैं बताऊंगा, पंजाब के डीजीपी थे केपीएस गिल, आपको सबको पता होगा केपीएस गिल थे पंजाब के डीजीपी, और एक ऑस्ट्रेलियन टीम का एक बॉलर था शेन वॉन के टाइम में स्टुअर्ट मैकगिल, तो उनके टाइटल गिल हो गए और वो भी टाइटल एक अंग्रेज है और एक हिंदुस्तानी है, तो उनमें कितना अंतर है, वो टाइटल मिल जाते हैं, ये तुकबंदी हो जाती है। जैसे हमारे लोगों में बोलेंगे भैया बस बहुत हो गया बस बस, और जो इंग्लिश भाषा में उसमें बस एक व्हीकल को बोलते हैं, तो बहुत शब्द हैं, अब उनको जोड़ना बिना निराधार तरीके से वो तुकबंदी है, मैं बता रहा हूं आपको, उसके अलावा कुछ नहीं है। हूण जो है, जो गुर्जरों में हूण मिलते हैं वो परमारों की ब्रांच है, वो विधुड़ियों की ब्रांच है, वो गुर्जर हैं, वो कोई विदेशी नहीं है, उनका बाहर के किसी उससे कोई लेना देना नहीं है, ये फर्जीवाड़ा मचा रखा है इन लोगों ने, तुक्के मार रहे हैं, ये भी गुर्जर है, ये भी गुर्जर है, वो ये हंगरी से आए, ये आए, ये सारे जो भी ये फैला रहे हैं ये सब एक्सीडेंटल केस हैं, ये झूठ फैलाना इनका वो है बस, किसी भी तरीके से कोई भी चीज प्रचारित करके फालतू की, पर यह अपना महिमा मंडन करना इन लोग। क्योंकि ये गोत्रों के बारे में बात हो रही थी तो काफी लंबा विषय है, लेकिन अनुराग जी जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए हैं, उम्मीद है कि उनके सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे, काफी हद तक वो संतुष्ट हो गए होंगे। वहीं हमारे पास कुछ बधाई संदेश भी हैं जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं कौन है दर्शक जिन्होंने अपने बधाई संदेश हमें दिए हैं। ये हैं डॉक्टर निधि सिंह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, जेके तावर दिल्ली से और प्रभाकर सेठ कोंकण महाराष्ट्र से। आइए आपको सुनाते हैं। आई एम डॉक्टर निधि सिंह फ्रॉम गाजियाबाद एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द गुजर्स अराउंड द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट द 8th इंटरनेशनल गुजर डे, द जयंती ऑफ गुजर सम्राट मिहिर भोज ऑन 24th ऑफ ऑगस्ट थर्सडे 2017। This is the biggest festival celebrated by the Gujar Samaj and it's also known as Gujar Diwali. Jai Mihir Bhoj, Jai Dev Narayan, proud to be a Gujar. सभी देशवासियों और मेरे पूरे गुजर समाज को मेरी राम राम जी। मैं जेके तो निर्देशक और कलाकार
प्राचीतम फिल्म प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 8वें इंटरनेशनल गुजर डे गुजर सम्राट मीर भोज जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा की पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। गदर 1857 बनाने के उपरांत उन्होंने मुझे गुजर रत्न से सम्मानित किया और कई गांव कई शहरों में जा जाकर उन्होंने लोगों का उत्साह बढ़ाया, उनका मान सम्मान किया। टीम से अनुरोध करता हूं आप हर दिन हर साल ऐसे ही सबका मनोबल बढ़ाते रहे और सभी गुजरों को आगे बढ़ने का चांस मिले। मैं फिर से एक मूवी बनाने जा रहा हूं, अगर कोई भाई कलाकार मेरे से जुड़ना चाहता है तो मेरा फोन नंबर है 7838973897। जय मीर भोज, जय गुजर, जय हिंद। मैं प्रभाकर शेठ गुजर आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अनुराग जी के साथ मेरे तो अच्छे संबंध है और गुजर लोग जो जहां भी है उनके साथ मैं अच्छे संबंध प्रस्तावित करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सभी गुजर सभी जगह के गुजर एक हो जाएंगे। मुझे गर्व है कि मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुजरों के साथ बातचीत करता रहता हूं और मुझे आनंद भी आता है इन लोगों के साथ बातचीत करते हुए। और दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि 24 अगस्त यानी इंटरनेशनल गुर्जर डे जो मिहिर भोज की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है, हमारे पास कुछ ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से इसकी तैयारियां चल रही है, आपको सुनाते हैं। जो हैं शैलेंद्र गुर्जर आगरा उत्तर प्रदेश से, राहुल गुर्जर सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, रविन्द्र कसाना बलाचौर पंजाब से, नंदलाल गुर्जर टोंग राजस्थान से और विजय सिंह गुर्जर धूलिया महाराष्ट्र से। भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मैं शैलेंद्र गुर्जर, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा बहागरा। पिछले वर्ष 4 सितंबर 2016 को हमने सम्राट मीर भोज जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया और इस वर्ष 24 अगस्त 2017 को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में इसे बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए और इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाएं। मैं राहुल गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले वर्ष हमने 4 सितंबर 2016 को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान जी की जयंती इंटरनेशनल गुर्जर डे के रूप में मनाई। 1200वां प्रकाश वर्ष हमने मनाया और इसी भांति इस वर्ष 24 अगस्त 2017 को हम एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस मनाएंगे। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपने जिले प्रदेश देश में इसे बड़ी धूमधाम से मनाएं और सभी इस दिन अपने घर में हलवा पूरी बनाकर प्रसाद लोगों को बांटें। गुज्जर समाज के सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं पंजाब से रविंदर कसाना, गांव सूरापुर, तहसील बलाचौर, डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर। भाइयों, पिछले वर्ष हम लोगों ने पंजाब में अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा के सहयोग से चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती 7th इंटरनेशनल गुज्जर डे के रूप में गांव रत्तेवाल में बड़ी धूमधाम से मनाई थी। इस कार्यक्रम में हमारे समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने अपने गुज्जर समाज के बारे में, सम्राट मिहिर भोज जी के जीवन के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी थी। भाइयों, हम इस बार 24 अगस्त को
चक्रवर्ती सम्राट मेहर भौजी की जयंती के उपलक्ष्य में 8th इंटरनेशनल गुज्जर डे धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। राम राम सा, मैं नंदलाल गुजर लांगड़ी, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा टोंक राजस्थान। सर्वप्रथम राष्ट्र कवर चैनल के PMD भाई महेश जी और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने गुजर समाज के बारे में जन जन तक पहुंचाया। वे राष्ट्र कवर चैनल के दर्शकों व गुजर समाज को आगामी अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गत वर्ष को आदिवरा गुजर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस के रूप में टोंक जिले में धूमधाम से मनाया। इसका कार्यक्रम टोंक जिले की विभिन्न तहसीलों में किया गया, जिसमें टोंक से शैलेश जी गुजर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व अंसराज जी गुंजल के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस को धूमधाम से मनाया गया। मालपुरा से भाई श्रवण लाल जी गुजर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व बचराज जी भाई साहब के नेतृत्व में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में पीपरू से अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस के रूप में भाई हरिराम जी व कमलेश जी के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया। और इस दिन गुजर सम्राट मिहिर भोज महान की तस्वीर लोगों को भेंट की गई। इसी क्रम में उनेरा से भाई दारा सिंह जी के नेतृत्व में गुजर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस के रूप में मनाया गया और सरकारी हॉस्पिटलों में मरीजों का फल का वितरण किया गया। इसी क्रम में देवड़ी और टोडा राय सिंह तहसील में गुजर समाज के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया और सम्राट मिहिर भोज महान की तस्वीर की पूजा की व वाहन रैली का आयोजन रखा गया। और इसी क्रम में निवासी स्वयं मेरे और एडवोकेट दयाराम जी व कमलेश जी बैसला जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया गया और सरकारी हॉस्पिटल में फल का वितरण किया गया। इसी क्रम इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस को बड़े धूमधाम से मनाने का हमारा प्लान है और इस दिन हम वाहन रैलियों का आयोजन करेंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे और सरकारी हॉस्पिटलों में फल का वितरण करेंगे, रक्तदान का शिविर का आयोजन करेंगे और आदिवरा गुजर सम्राट मिहिर भोज महान की पूजा करेंगे और इस दिन घर घर त्यौहार के रूप में गुजर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती को मनाएंगे और घर घर खीर पूरी बनाकर शाम को 4 दिए जलाकर गुजर सम्राट मिहिर भोज को याद करेंगे। हर हर भोज घर घर भोज। देवी गुजर में विजय सिंह गुजर का वोटे तहसील शिरपुर जिला बिया महाराष्ट्र। हमने पिछले साल इंटरनेशनल गुजर दिन गुजर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती पर किया था। अब की बार दुनिया जिले में रैली निकालकर मनाएंगे। गुरुवार 24 अगस्त 2017 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिन को हर गुजर समाज के घर में मनाएंगे। जय वीर गुजर, हर हर भोज, घर घर भोज, राष्ट्र धर्म रक्षक, जय वीर भोज, जय। अनुराग जी, इन खास जानकारी जो आपने हमारे दर्शकों को दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमारे सारे दर्शकों के सवालों के जवाब उनको इसी तरह मिलते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपका मुद्दा, आपका सवाल।